देश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। पूरा माहौल चुनाव वाला हो चुका है। होली भी होली, लेकिन सियासत का रंग अभी भी 2 महीने तक रहेगा। लोकतंत्र में चुनाव एक त्यौहार होता है और इस त्यौहार में एक आम आदमी से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, पुलिस प्रशासन सब शामिल होते हैं। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपूर्ण हो और इसी प्रक्रिया में वोटर्स को लुभाने के लिए भी कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की इस पर सख्त नजर होती है। उम्मीदवार पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक। कई लोगों को लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का खर्चा कौन देता है, कैसे चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। आपने अक्सर एक वोट की कीमत सुना होगा या पढ़ा होगा। आज की स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे कि लोकसभा के पहले चुनाव में एक वोट की कीमत क्या थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, ज्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। हकीकत में एक एक वोट का हिसाब किताब होता है। एक वोट के लिए कितना खर्च हो रहा है, सबका लेखा जोखा रखा जाता है। ये आज की बात नहीं है, जब से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है तब से ही आज़ादी के बाद से अब तक के हिसाब मौजूद है। हालांकि समय के बाद चुनाव के लिए खर्च भी बढ़े हैं और तरीके भी। ये तो सबको पता ही है कि पहले बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती थी, लेकिन अब EVM के जरिए मतदान हो रहा है। टेक्नोलॉजी में विस्तार की वजह से वोटिंग के तरीके बदलते रहते हैं। साल 2004 से हर लोकसभा चुनाव EVM के जरिए ही हो रहा है। आज के समय में चुनाव आयोग के लिए निष्पक्ष और सुचारू ढंग से चुनाव कराना महंगा हो गया है, क्योंकि एक बड़ा फंड EVM खरीदने और उसके रखरखाव पर ही चला जाता है। देश में आजादी के बाद साल 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक 1951 कुल 17.32 करोड़ मतदाता थे, जो साल 2019 में बढ़कर 91.2 करोड़ हो गए थे। आयोग के मुताबिक 2024 के चुनाव में 98 करोड़ मतदाता वोट करने जा रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इससे पहले 2009 लोकसभा चुनाव में 1,114.4 करोड़ रुपए और 2019 में चुनावी खर्च करीब 6,600 करोड़ रुपए रहा था। अब आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि इस चुनाव में कितना पैसा खर्च होने वाला है। कहते हैं देश में सबसे कम खर्च वाला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। तब चुनाव आयोग ने सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी हर एक मतदाता तब चुनाव खर्च सिर्फ 30 पैसे आया था। लोकसभा चुनाव 2024 में एक उम्मीदवार सबसे ज्यादा 95 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। देश के पहले चुनाव यानी 1951 में एक उम्मीदवार ज्यादातर 25,000 रुपए तक खर्च कर सकता था। देश में आम चुनाव का खर्च केंद्र सरकार उठाती है और इसमें इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक कामकाज से लेकर चुनाव में सिक्योरिटी, पोलिंग बूथ बनाने, EVM मशीन खरीदने और मतदाताओं को जागरूक करने और वोटर ID कार्ड बनाने जैसे खर्च शामिल होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में चुनाव खर्च के लिए 2,442.85 करोड़ रुपए आवंटन किया था। इसमें 1,000 करोड़ रुपए को लोकसभा चुनाव में खर्च किया जाएगा। दरअसल चुनाव से जुड़े खर्चे चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय दोनों को दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी के पास 50,000 से ज्यादा नकदी मिलने पर उसका स्रोत और मकसद बताना होता है, नहीं तो आपका पैसा भी जब्त होगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपके पास 10 ग्राम से ज्यादा सोना मिलता है तो भी आपका सामना चुनाव अधिकारियों से होगा और वो इसका सोर्स आपसे जरूर मांगेंगे। जवाब न देने पर आपका सोना जब्त भी हो जाएगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।